चलिए जी स्टूडेंट्स, तो हम जो है वी वर डूइंग अबाउट एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का जो हमने एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स की, उसी के समरी में दोबारा से बता रही हूँ कि कैम्ब्रियन में पेलियोजोइक की अर्ली एरा है। कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन में हम ये नीचे से ओरिजिन ऑफ अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो कैम्ब्रियन में ऑल इनवर्टिब्रेट फाइलम्स, इनवर्टिब्रेट फाइलम्स कहाँ से कहाँ तक थे, दैट इज पॉलीफरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक, है ना। और उसमें थोड़े से कॉर्डेट्स भी आ जाते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा। ऑल इनवर्टिब्रेट फाइलम्स गेट्स एस्टेब्लिश्ड, यहाँ तक एस्टेब्लिश हो गई। ऑर्डोविशियन, यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स अबंडेंट थे, तो एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड ओरिजिन ऑफ जॉलेस फिशेस, जॉलेस फिशेस दीज आर वर्टिब्रेट्स। Then Silurian, origin of true fishes. तो ये jawless fishes क्या है? ये थे cyclostomates, है ना। ये true fishes नहीं है, true fishes आ जाती है pisces में, ये थे cyclostomates, origin of true fishes with jaws, ठीक है जी। फिर उसके बाद Devonian में, Devonian में age of golden age of fishes है Devonian, क्योंकि इसमें fishes सबसे ज्यादा abundant है। एंड एक और फिश है ओरिजिन ऑफ लैटिनेरिया, इसको हम कह देते हैं लोब फिश, एंड इट इज द एंसेस्टर ऑफ एम्फीबियंस। ये सोचा जाता है कि जो लैटिनेरिया है इससे एम्फीबियंस बने होंगे। कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस इज एज ऑफ एम्फीबियंस। Abundant amphibians है and there occurred origin of reptiles here, right? उसके बाद है Permian, Permian में क्या हो जाता है? Extinction of trilobites. यहाँ पे एक और हम बात करते हैं, Cambrian में all invertebrate phylums get established and there occurs origin of trilobites. पेलियोजोइक के शुरू में ट्रायलोबाइट्स आए और पेलियोजोइक एरा के एंड में ट्रायलोबाइट्स चले गए, ठीक है। उसके बाद एक्सटिंक्शन ऑफ पेलेकोसोरस, ये हमने कल किया था, तो उसमें मैमल्स की एवोल्यूशनरी लाइन में आ जाता है पेलेकोसोरस, ये भी एक्सटिंक्ट हो गया परमियन में। उसके बाद ट्रायसिक, जुरैसिक एंड क्रिटेशियस, ये आ जाता है बेटा मीजोजोइक एरा, जैसे ये पेलियोजोइक था वहां पे मीजोजोइक एरा। ट्रायसिक में ओरिजिन ऑफ डायनासोर्स एंड मैमल, देखो ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स तो कार्बोनिफेरस में आ गए थे, यहाँ भी थोड़े बहुत रेप्टाइल्स होंगे। ट्रायसिक में उन रेप्टाइल्स में से, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन हो रही है रेप्टाइल्स की, ठीक है, तो उसमें से जो डायनासोर डोमिनेंट रेप्टाइल्स थे किसी टाइम में, वो ओरिजिन कब हुए? ट्रायसिक में। और मैमल्स भी आए डायनासोर के साथ। और एक थ्योरी ये कहती है कि अगर डायनासोर्स रहते तो मैमल्स कभी भी अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि डायनासोर्स इतने बड़े बड़े थे, इतने डोमिनेंट थे कि या तो वो मैमल्स को खा जाते या फिर जो मैमल्स थे, मेरा मतलब उनको इतना खाना या उनको जगह ना मिलती कि वो सर्वाइव कर सकते। तो एक थ्योरी ये कहती है क्योंकि नेचर ने मैमल्स को आगे डोमिनेट करना था, इसलिए डायनासोर्स का एक्सटिंक्ट होना जरूरी था, ठीक है। बट चलो वो तो एक थ्योरी है। चलिए, ओरिजिन ऑफ डायनासोर्स एंड मैमल्स एक साथ हुए। उसके बाद जुरैसिक में डायनासोर्स बहुत हो गए, आपको पता है जुरैसिक पार्क आपने मूवी देखी है, तो डायनासोर्स डोमिनेंट हो गए। ओरिजिन ऑफ बर्ड्स, यहाँ पे ध्यान से देखो, बर्ड्स का ओरिजिन मैमल्स के बाद हुआ, ठीक है। एक्सटिंक्शन ऑफ थेरैपसिड्स, थेरैपसिड्स रेप्टाइल्स से जो मैमल्स बन रहे हैं, तो रास्ते में थेरैपसिड्स आते हैं, ठीक है, वो एक्सटिंक्ट हो गए। मैमल्स और आगे बढ़ी जा रहे हैं बट थेरैपसिड्स एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स, मतलब क्रोकोडाइल्स, ये वो क्यूटेरास, ये सब जो है ये बन रहे हैं, ये और ज्यादा बन रहे हैं जुरैसिक में। चारों तरफ रेप्टाइल्स ही रेप्टाइल्स हमें नजर आ रहे हैं, बीच बीच में दूसरे भी है बट मैक्सिमम रेप्टाइल्स, ठीक है, बट जुरैसिक तक ही वो रहे, ठीक है, 500 मिलियन ईयर्स रहे वो,
तकरीबन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्रिटेशियस। क्रिटेशियस में क्या हुआ, दैट इज एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स एंड टूथ्ड बर्ड्स। टूथ्ड बर्ड्स कौन से थे, आर्कियोपटेरिक्स, कि वो है इंटरमीडिएट बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। तो वो एक्सटिंक्ट हो गए क्रिटेशियस और टर्शरी के बीच में। राइज ऑफ प्लेसेंटल्स, प्लेसेंटल्स क्या है, मैमल्स, राइज ऑफ प्लेसेंटल्स एंड बर्ड्स, ठीक है, ये मीजोजोइक। उसके बाद जो रीसेंट एरा है, सीनोजोइक एरा है, उसमें ज्यादा चेंजेस एज सच नहीं आ रहे, कोई एक्सटिंक्शन नहीं है, बट सीनोजोइक एरा में क्या है कि नए नए प्लेसेंटल्स बढ़ते गए और मैमल्स डोमिनेट हो गए, ठीक है, ये चीज। एक्सक्यूज मी मैम, लिख लो पहले ये लिखो। हाँ जी बोलो बेटा बोलो। मैम जो थ्रैप्सिड्स थे, मैम जो थ्रैप्सिड्स थे वो बेसिकली मैमल्स थे या फिर रेप्टाइल्स थे? बेटा वो रेप्टाइल लाइक मैमल्स थे। यस मैम, बट मैम जो विकिपीडिया, मैंने विकिपीडिया सर्च किया था तो मैम वो कह रहा था कि दीज आर रेप्टाइल्स व्हिच आर हैविंग मैमेलियन कैरेक्टर्स। बस हम दोनों ही कह सकते हैं, ठीक है, रेप्टाइल लाइक मैमल्स भी कह सकते हैं और मैमल लाइक रेप्टाइल्स भी कह सकते हैं। पेलाइकोसॉरस की तरह, बस थोड़े से ज्यादा मैमेलियन कैरेक्टर्स कंटेंट, मैमेलियन कैरेक्टर्स ज्यादा आ गए। ओके नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा प्लांट्स की एवोल्यूशन। हम कर चुके हैं बट फिर भी इन शॉर्ट, साइलूरियन में इससे पहले तो फॉसिल्स हमें मिले ही नहीं, कोर बियरिंग प्लांट्स, ठीक है। इससे जो है फिर आगे डाइवर्सिफिकेशन हो रही है डिवोनियन में, डेवलपमेंट ऑफ लाइकोपोर्स, हॉर्न्स एंड ओरिजिन ऑफ सीड बियरिंग प्लांट। मैम साइलूरियंस लिखना शुरू करना है? हाँ जी बेटा, एंड सीड बियरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट आ जाता है बेटा कार्बोनिफेरस। अबंडेंट फॉर्न्स, फॉर्न्स इट इज द एज ऑफ फॉर्न्स, और यहाँ पे किसकी अबंडेंस थी, abundant horse tails such as equisetum, such as equisetum, लिख लेना ब्रैकेट में horse tail such as equisetum and abundant, ये red pen से लिख लेना, seed fern, abundant seed ferns in carboniferous. एक मिनट, abundant ferns and abundant ferns, हाँ abundant seed ferns। उसके बाद Permian में diversification of bryophyte, आप देखो ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन तो पहले हो गया होगा क्योंकि ब्रायोफाइट्स सॉफ्ट प्लांट्स है, इनके हमें फॉसिल्स नहीं मिले, ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं ब्रायोफाइट्स होंगे पहले भी, बट फिर इनकी डाइवर्सिफिकेशन टेरिडोफाइट से आगे जाके हुई, ठीक है। सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स अकर्स ड्यूरिंग परमियन। नेक्स्ट आ जाइए बेटा ट्रायसिक, लिख रहे हो साथ साथ? मैम ऊपर से लिखना था मैम तो वेट कर रहा हूँ। चलो थोड़ा सा ट्रायसिक से शुरू कर लो। ओके, ट्रायसिक में डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हॉर्स टेल्स, डिक्रीज, ट्रायसिक में डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हॉर्स टेल्स बट अबंडेंट साइकैड्स एंड कॉनिफर्स, बट अबंडेंट
साइकैड्स एंड कॉनिफर्स। मतलब देखो ट्रायसिक जुरैसिक में ये वाला जो मीजोजोई कह रहा है, एक तो इसमें रेप्टाइल्स अबंडेंट है, साथ में जिम्नोस्पर्म्स भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हुए। तो ट्रायसिक में अबंडेंट साइकैड्स एंड कॉनिफर्स, उसके बाद जुरैसिक सेम चीज है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, जुरैसिक में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट आ जाता है क्रिटेशियस, ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, क्रिटेशियस में ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। और उसके बाद सीनोजोइक एरा, सबसे ऊपर है सीनोजोइक एरा, डाइवर्सिफिकेशन एंड अबंडेंस ऑफ, डाइवर्सिफिकेशन एंड अबंडेंस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। डाइवर्सिफिकेशन एंड अबंडेंस ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है जी। और यहाँ पे फिर स्टार डाल के पॉइंट लिखिए, सीड फर्म्स आर द कॉमन एंसेस्टर्स ऑफ साइकैड्स एंड एंजियोस्पर्म्स, सीड फर्म्स। सीड फर्म्स इनको हम और क्या बोलते हैं बेटा, पेरिडोस्पर्म्स एंड साइकेडोफिलिकेट्स, दीज आर द कॉमन एंसेस्टर्स ऑफ साइकैड्स एंड एंजियोस्पर्म्स। हम ऐसे नहीं कह सकते, देखो ध्यान से देखो, नहीं तो ऐसे क्या लगता था कि पहले सीड फर्म्स आए, फिर साइकैड्स आए होंगे, साइकैड से फिर कॉनिफर्स आए, फिर उनसे एंजियोस्पर्म्स आए। नहीं, ऐसा नहीं है। सीड फर्म्स से साइकैड्स जैसे ट्रीज आए, जिम्नोस्पर्म्स आए, और साथ साथ सीड फर्म्स ने एंजियोस्पर्म्स भी बनाए। मैम, हाँ जी मैम, क्रिटेशियस के बाद क्या लिखा था? क्रिटेशियस के बाद हमने क्या लिखा था? क्रिटेशियस के बाद लिखा था सीनोजोइक। सीनोजोइक एरा, डाइवर्सिफिकेशन एंड अबंडेंस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। मैम कार्बोनिफेरस में मैम अबंडेंस के साथ मतलब डाइवर्सिफिकेशन हुई थी फर्न्स और जब वो डोमिनेट हो रहे हैं तो बहुत सारी नई फर्न्स आ रही हैं, सब तरफ फर्न्स ही फर्न्स हैं। तो मैम हम ये कहेंगे टोटली डाइवर्सिफाई वो कार्बोनिफेरस में, और इनिशिएशन उसकी डाइवर्सिफिकेशन की डिवोनियन पीरियड में हुई। हाँ, लाइकोपोड्स की, फर्न्स की, बिल्कुल। ओके मैम, ठीक है जी, डन बेटा, ये लिख लिया सबने। मैम राइनिया टाइप प्लांट कितने आएंगे? राइनिया आ जाता है बेटा जिन वो ब्रायोफाइट्स, मतलब एंसेस्टर्स है। मतलब हमने जैसे पिछली बार क्या था, कैम्ब्रियन में क्लोरोफाइट है, उसके बारे में नहीं लिखना है? नहीं, वो तो है ही है बेटा, उसके बाद तो फिर हमने साइलूरियन से शुरू कर लिया था ना, किया था कि नहीं आगे? जो साइलूरियन है स्पोर बेयरिंग प्लांट्स में, यही राइनिया राइनिया है? राइनिया से आगे चलती है, राइनिया तो नहीं है, मतलब राइनिया लाइक है, राइनिया राइनिया मैम, सिल्वेरी मैम, वो भी साइलूरियन साइलूरियन में थे ना? बिल्कुल बिल्कुल, राइनिया लाइक प्लांट्स हम कह सकते हैं यहां पे। यस मैम, फाइट्स क्या है? हां, ट्रिकियोफाइट भी मतलब इंक्लूड नहीं करना इसमें? किसको इंक्लूड नहीं करना? ट्रिकियोफाइट एंसेस्टर ऑर्डोविशियन में हम ट्रिकियोफाइट, ट्रिकियोफाइट नहीं बेटा, है तो सही है ना, वो तो पहले आ जाते हैं। ये तो मैंने इन जनरल बता दिया, स्पोर बियरिंग में ट्रेकियोफाइट्स भी आ सकते हैं, नॉन ट्रेकियोफाइट्स भी आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। यस मैम, ठीक है, ठीक है। वहां पे भी क्या लिखा था? राइनिया टाइप प्लांट्स है यहाँ पे, तो स्पोर बियरिंग प्लांट्स मीन्स
राइनिया टाइप प्लांट्स जिससे आगे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए। मैम आपने कहा जैसे कि हमारे पास मतलब फॉसिल्स लास्ट साइलूरियन पीरियड तक हैं, मैम जो उससे पहले ऑर्डोविशियन और मैम जो हमारे मतलब क्लोरोफाइट्स से उनका पता कैसे चला? वो सिर्फ हमने सोचा है, वो हाइपोथेसिस है मैम, एंसेस्टर्स नहीं, उनके फॉसिल्स नहीं मिले हैं। ओके मैम, ये वो सिर्फ हमारी थ्योरीज है। ओके मैम, ठीक है जी। चलिए अब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को अब हम यहीं छोड़ रहे हैं, इट्स डन। एक क्वेश्चन शायद आ जाए इसमें से, जबकि हमने तीन दिन लगा दिए इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाइए बेटा, एविडेंसेस फ्रॉम, हम कर रहे थे बेटा कि एवोल्यूशन के क्या एविडेंसेस है, ठीक है, कि एवोल्यूशन हुई है या हो रही है या पहले हुई है, हमारे पास क्या एविडेंसेस है। हमने एक तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल बता दिया, ठीक है। आगे आ जाइए, अदर एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड, अदर एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड। तो मैंने आपको बताया था कि लोअर फॉसिल, अपर फॉसिल, मतलब लोअर लेयर्स ऑफ रॉक, अपर लेयर ऑफ रॉक, फिर उससे अपर लेयर ऑफ रॉक, तो क्या दिखा कि इन बिटवीन देयर आर प्रेजेंट, दो लेयर्स के बीच में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिले, एक लेयर में ए ऑर्गेनिज्म मिला, बी में, सेकेंड लेयर में बी ऑर्गेनिज्म मिला, इन बिटवीन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिले विच शेयर द कैरेक्टर्स ऑफ ए एज वेल एज बी, दिस शोज दैट ए इवॉल्व इनटू बी थ्रू दैट एंसेस्टर्स या थ्रू दैट ऑर्गेनिजम्स विच आर कॉल्ड एज मिसिंग, ठीक है। दोबारा से मैं बताती हूँ, ये लेयर ए है, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स ए में लेयर वन, ये है ऑर्गेनिज्म बी लेयर टू, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स मिले, ऑर्गेनिज्म लेट अस से एक्स, तो दिस ऑर्गेनिज्म एक्स शेयर करेक्टर्स ऑफ बोथ ए एंड बी, दिस शोज दैट ए इवॉल्व इनटू बी थ्रू एक्स लाइक ऑर्गेनिज्म, इज इट ओके, क्लियर हूं मैं बेटा सबको, कोई रुक तो नहीं रही, मेरी इमेज रुकी तो नहीं, मैं बीच में रुक गई थी, बीच में थोड़ी सी मुझे लगता है रुकी हुई थी, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म ए इवॉल्व इनटू ऑर्गेनिज्म बी थ्रू एक्स लाइक ऑर्गेनिजम्स, एंड दीज एक्स ऑर्गेनिजम्स दीज आर फॉसिल्स ओनली, दीज आर नॉट प्रेजेंट, सो दीज आर कॉल्ड एज मिसिंग, ठीक है जी। तो लिखो अदर एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल्स, तो फर्स्ट आ जाइए मिसिंग लिंक्स, फर्स्ट आ जाइए मिसिंग लिंक्स, दीज आर द एक्सटेंट ऑर्गेनिजम्स, दीज आर द एक्सटेंट ऑर्गेनिजम्स विच शेयर द कैरेक्टर्स ऑफ, which share the characters of two different groups, and it is estimated that one group of organisms evolve into another group of organisms
थ्रू मिसिंग लिंक्स, थ्रू मिसिंग लिंक्स. फॉर एग्जाम्पल मैम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बाद कहां तो पूरी लाइन बोलो बेटा. इवॉल्व इनटू अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स थ्रू मिसिंग लिंक्स. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है आर्कियोपटेरिक्स. फॉर एग्जाम्पल आर्कियोपटेरिक्स, इसको हम ब्रैकेट में लिख लो, टूथ्ड बर्ड. टूथ्ड बर्ड लाइक बर्ड्स क्या है फीचर इसमें, has beak, has feathers, four limbs, modified into wings. Like reptiles, has teeth in beak, has long tail. Reptiles की जो है बेटा बहुत long tail होती है. Next है weak sternum. Sternum क्या है, chest bone. It is weak sternum. Then non-pneumatic bones, air sacs के साथ bones connected नहीं है. Non-pneumatic bones. ये reptilian characters है. This shows that some of the reptiles, सारे तो नहीं, सम ऑफ द रेप्टाइल्स इवॉल्व्ड इनटू बर्ड्स थ्रू आर्कियोपटेरिक्स लाइक ऑर्गेनिज्म. इंटरमीडिएट स्टेज है थ्रू आर्कियोपटेरिक्स लाइक ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट आ जाता है लैटिनेरिया. It is the missing link between fishes and amphibians. ये नाम ही याद रखने, बाकी ज्यादा नहीं करने की जरूरत है. Another is Simoria, Symoura. Simoria between amphibians and reptiles. Between amphibians and reptiles. Next a lycanops, lycaenops, between reptiles and mammals. Or seed worms hum kehte hain, but it gave rise to angiosperms also, between ferns and cycads, yeah, ferns and gymnosperms. Between ferns and gymnosperms. ठीक है जी. तो मिसिंग लिंक्स हमें मिले हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि ये ऑर्गेनिजम्स थे जिससे एक ग्रुप दूसरे में डेवलप हो गए, राइट. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट आ जाइए, देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स हूज कंप्लीट फॉसिल हिस्ट्री इज नोन.
whose complete fossil history is known, such as, होंगे तो बहुत सारे, but हमें जो है, such as horse, zebra, elephant, etc. ठीक है, तो हम यहाँ पे जल्दी से ही करेंगे. Evolution of horse. Evolution of horse. It occurs in tertiary period of Cenozoic era. It occurs during tertiary period of Cenozoic era in North America. तो सबसे पहले जो फॉसिल मिला था वो था इओहिप्पस. सबसे पहला जो फॉसिल मिला इओहिप्पस, उसके बाद मीजोहिप्पस, फर्स्ट इज इओहिप्पस, अनदर इज मीजोहिप्पस, मेरीचिप्पस, प्लायोहिप्पस एंड एक्वस. इओहिप्पस प्लायोहिप्पस इओहिप्पस मीजोहिप्पस मेरीचिप्पस प्लायोहिप्पस एंड एक्वस. ठीक है, और ये कौन से एरा में, दैट इज सीनोजोइक एरा, टर्शरी पीरियड. टर्शरी पीरियड में आपको पता है बहुत सारे एपक्स थे, तो वो एपक्स अगर हम देख लें, इओसिन, ओलिगोसिन, इओहिप्पस आया इओसिन में, मीजोहिप्पस आया ओलिगोसिन में, मेरीचिप्पस जो है इट इज इन मायोसिन, ये आया प्लायोसिन, और ये आया प्लिस्टोसिन. इओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, अगर आप थोड़ा सा याद करें, सीनोजोई कह रहा टर्शरी पीरियड एंड क्वार्टनरी पीरियड, और टर्शरी पीरियड में ये क्या आ जाते हैं, एपक्स आ जाते हैं, इओसिन, इओसिन, सीईएन. ओलिगोसिन, फिर मायोसिन, प्लायोसिन, प्लिस्टोसिन. मैम, इओहिप्पस से पहले की कोई वो नहीं है मैम हिस्ट्री किसकी, हॉर्स की? इओहिप्पस, यस मैम, इओहिप्पस से पहले यहीं पे ही शुरू हुआ बेटा, ओरिजिन ऑफ हॉर्स इओहिप्पस से ही शुरू हुआ. मैम इससे पहले का कोई ऑर्गेनिज्म जिसका इसके साथ कोई लिंक हो, जिससे हम कहते हो कि इससे इवॉल्व हो के इओहिप्पस बना, यानी हॉर्स लाइक ऑर्गेनिज्म. प्रथम बेटा मैं क्या कह रही हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन आना है, हम बहुत ज्यादा नहीं मैं बता पाऊंगी आपको, ठीक है? ओके. इससे पहले क्या आया हॉर्स की भी, ये भी आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, बट कई बार 3-4 सालों में एक क्वेश्चन आ जाता है कभी, तो इसलिए करवाना मेरी ड्यूटी है ये बेटा, अदरवाइज हॉर्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है ना, ठीक है? होगा तो उसमें बहुत सारे फॉसिल्स होंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है जी? तो अब हम इनके करेक्टर्स देख लें.
सबसे पहले आ जाइए हाइट पे. फर्स्ट इज हाइट. इयोहिप्पस की हाइट जो है तकरीबन 30 सेंटीमीटर. लिखते चलो 30 सेंटीमीटर. इसकी थी 60 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर और मॉडर्न हॉर्स तकरीबन 150 सेंटीमीटर. 1 हाइट एट शोल्डर्स. तो सबसे पहला एवोल्यूशनरी फीचर है दैट इज इंक्रीज इन द हाइट ऑफ हॉर्स. नेक्स्ट आ जाइए बेटा, दो कॉलम्स बनाना, फोर फिंगर्स. एंड हिंड फिंगर्स या हिंड टोस. फोर फिंगर्स एंड हिंड टोस. तो इयोहिप्पस में लिखो, नीचे से ऊपर की तरफ करना है. इयोहिप्पस में सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर्स कंप्लीट. फर्स्ट इज रिड्यूस्ड. आप पहले ये लिख लो, फर्स्ट फिंगर रिड्यूस्ड टू स्प्लिंट. स्प्लिंट क्या होता है बेटा? नजर आता है कि यहाँ पे कुछ था, ठीक है. लेटर से ये है, इस तरह से हो जाए तो ये जो है ये नजर आएगा, पता चलेगा कि यहाँ पे अंगूठा था, कहाँ गया ये पता नहीं, ठीक है. तो फर्स्ट फिंगर रिड्यूस टू स्प्लिंट, सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर्स कंप्लीट. सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर्स कंप्लीट. और उसके बाद यहाँ टोज में फर्स्ट एंड फिफ्थ टो रिड्यूस्ड, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टो कंप्लीट. फोर फिंगर्स है और तीन टोज है. उसके बाद मीजोहिप्पस. मीजोहिप्पस में थ्री कंप्लीट फिंगर्स. फर्स्ट एंड फिफ्थ रिड्यूस्ड. यहां पे सेम ही है, थ्री कंप्लीट टोज. फिंगर्स जो है फिफ्थ वाली रिड्यूस हो गई, टोज उतने ही है तीन. मेरीचिप्पस, थ्री फिंगर्स थ्री टोज बट मिडल वन स्टार्ट इलोंगेटिंग. जो मिडल फिंगर थी, मिडल टो था, वो बढ़ना शुरू हो गया. यहां पे प्लायोहिप्पस एंड एक्वस में दोनों में ओनली मिडल फिंगर एंड मिडल टो कंप्लीट, रेस्ट रिड्यूस्ड. दिस इज रिडक्शन इन टोज. ऊपर करके लिख लेना, क्यों हुई रिडक्शन इन टोज? फॉर फास्ट स्पीड. रिडक्शन इन टोज हेल्प्स इन गेनिंग स्पीड, हेल्प्स इन गेनिंग स्पीड. उसके बाद आ जाइए टीथ एंड फीडिंग हैबिट.
वेट अ मिनट मैम, अच्छा कोई बात नहीं, लिख लो। करें जी और कितने और कितने कॉलम बनाने हैं? बस एक और कॉलम है, एक और है, लिखिए आगे। इओहिप्पस में मोलर्स आर फ्लैट एंड नो सिरेशंस, सिरेशंस होती है बेटा इस तरह की, मोलर्स आर फ्लैट एंड नो सिरेशंस, ईट सॉफ्ट ग्रास, है ना, बहुत ज्यादा सीरेशन की जरूरत नहीं, हार्डनेस है ही नहीं है। मैम हेडिंग क्या है बेटा? टीथ, मोलर टीथ कर लीजिए, मोलर टीथ पे लास्ट कॉलम है ना, लास्ट कॉलम है मोलर टीथ। ओके, इओहिप्पस में लिखो मोलर टीथ आर फ्लैट विद नो सीरेशन, एस ई डबल आर ए टी आई ओ एन एस, विद नो सीरेशन, adapted to eat soft grass, adapted to eat soft grass. Ma'am, एक बार repeat कर दोगे? Molar teeth are flat with no serrations. They are adapted to eat. They are adapted to eat soft grass. नेक्स्ट आ जाता है बेटा मीजोहिप्पस। सम सीरेशंस, थोड़ी सी सीरेशंस आ गई, डेवलपमेंट ऑफ सम सीरेशंस इन मोलर टीथ। फिर उसके बाद मेरिचिप्पस, क्लायोहिप्पस, मोर सीरेशंस, मोर सीरेशंस, और एक्वस में मोलर टीथ आर वेल सीरेटेड एंड क्राउन कवर्ड बाय इनेमल, एंड क्राउन कवर्ड बाय इनेमल, अडेप्टेड टू ग्राइंड ग्रेन्स, अडेप्टेड टू ग्राइंड ग्रेन्स। अब ये ग्रेन्स खाने शुरू हो गए, कंप्लीट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ हॉर्सेस में, ठीक है। और बड़ी क्लासेस में जाओगे, कभी पढ़ोगे तो और भी चीजें आएंगी, बट अप टू योर लेवल यही मेन है। इज इट ओके? नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, ये रब कर दें बेटा। यस मैम। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। तो क्या क्या है? होमोलोगस ऑर्गन, another is
एनालोगस ऑर्गन्स, एनदर इज विस्टिजियल ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स एंड विस्टिजियल ऑर्गन. होमोलोगस ऑर्गन्स मीन्स different organs in different organisms having same internal structure but may have different morphology and thus different functions. अंदर के सेम स्ट्रक्चर है बट बाहर से मोर्फोलॉजी डिफरेंट हो सकती है और वो फंक्शन भी डिफरेंट परफॉर्म कर सकते हैं बट इंटरनल स्ट्रक्चर इज सेम. दिस शोज दैट Organism A, Organism B, they arise from same ancestor. क्योंकि internal तो same है. दो A organism and B organism. So this shows that the two organisms they share same ancestry. This is called as इसको हम क्या कह देते हैं, कौन सी रेडिएशन है, एडेप्टिव रेडिएशन या फिर हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. पहले ध्यान से समझना है फिर लिखना है, पेन नीचे रखो. तो होमोलोगस ऑर्गन्स शो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, इसका क्या मतलब है ये मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ. डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का क्या मतलब है कि सेम एंसेस्टर produced two organisms which shifted to different environmental conditions अलग अलग जगह चले गए टू अडैप्ट डिफरेंट कंडीशंस द सेम स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड डिफरेंटली. अभी हम करेंगे तो आपको पता चलेगा same structure is modified differently. This is divergent evolution. लिखो पहले फिर मैं आगे करवाती हूँ. तो अब next हम आ जाते हैं इसकी examples. Homologous organs की examples क्या है. For example, four limbs of horse arms and hands of man flippers of dolphins and wings of bats. All these are homologous organs और इनकी structural plan क्या है. Humerus one, radius one, ulna one,
कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, फिलेंजेस 14. दिस इज द स्ट्रक्चरल प्लान ऑफ फोर लिम्स ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सो दिस शोज दैट हॉर्स मैन डॉल्फिन दैट दे अराइज फ्रॉम द सेम एंसेस्टर. मैम हॉर्सेस में भी मतलब मेटाकार्पल्स और कार्पल्स मतलब फैलेंजेस होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बट वो बाद में जाके रिड्यूस हो जाते हैं, तो बात अलग है. ठीक है, ओके मैम. और मैं अब तक समझता था कि डॉल्फिन्स की फिन्स में बोन्स ही नहीं होती. ना 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 आंखें खुल गई आज. आंखें वो सिर्फ बेटा इंसेक्ट्स के विंग्स में बोन्स नहीं होती, इवन बर्ड्स के विंग्स में भी बोन्स है. ठीक है ना, तो होती बहुत पतली पतली सी है, बट उसमें भी होती है. ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए बेटा. टेंड्रिल्स ऑफ, नेक्स्ट आ जाइए. टेंड्रिल्स ऑफ कुकरबिका, टेंड्रिल्स ऑफ कुकरबिका एंड थॉर्न ऑफ, इसी में होमोलोगस की भी है. टेंड्रिल्स ऑफ कुकरबिट्स एंड थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया. Tendrils arise from axil of the leaves in cucurbits. The tendrils arise from axil of the leaves. Ma'am, radius 1 नहीं आएगा? Radius? मैंने क्या लिख दिया वहाँ? I'm sorry. Yes, मैं आपने 2 लिख दिया वहाँ पे. बोला तो मैंने 1 ही था है ना? Radio अल्ला लिखना था ना? Radio अल्ला 2 लिखना था, इसलिए 2 लिखा. रेडियस 1 अल्ना 1. ठीक है, ये है कुकरबिट्स. और उसके बाद नेक्स्ट है बोगनविलिया. ये लीफ है इसका, एंड दिस इज स्पाइन या थॉर्न. This is tendril of cucurbits. This is thorn of bougainvillea. Both are stem in nature. Both are stem in nature. They arise from axillary bud. They arise from axillary bud. Another example is the term. Carrot, beetroot, radish. These are also homologous organs. Both are modified taproots. Modified taproots. Next, Ajatadka. Mouth parts of different insects.
फॉर एग्जाम्पल कटिंग माउथ पार्ट्स, इसमें आ जाते हैं कॉकरोच में, उसके बाद पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स, मॉस्किटोज, टाइटनिंग माउथ पार्ट्स बटरफ्लाई, स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट्स हाउस फ्लाई, तो ये सब माउथ पार्ट्स जो है तो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, बट ऑल आर फॉर्म्ड ऑफ वन लेब्रम. इनका स्ट्रक्चरल प्लान क्या है? वन लेब्रम, वन लेबियम, वन लेब्रम, वन लेब्रम, लेबियम, हाइपोफेरेंक्स, अ पेयर ऑफ मैक्सिला एंड वन पेयर ऑफ मैंडिबल्स. एक लेब्रम, लेबियम, हाइपोफेरेंस, वन पेयर ऑफ मैक्सिला एंड वन पेयर ऑफ मैंडिबल. ठीक है, इन सब में यही है, बट फिर थोड़े थोड़े से मॉडिफाइड है टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. सो दीज आर होमोलोगस ऑर्गन्स. They show which type of evolution? That is, they show divergent evolution. Next हम आ जाते हैं बेटा analogous organs. 10th में भी आपने किया था, है ना? नेक्स्ट आ जाता है एनालोगस ऑर्गन्स. डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स which have different internal structure, which have different internal structure, but perform same function, but perform same function. They show convergent evolution. They show convergent evolution, which means that they arise from different ancestors. They arise from different ancestors, but because they are adapted to same habitat. But because they are adapted to same habitat, so their different organs gets modified to perform same function. But the different organs in different organisms gets modified to perform same function. For example,
विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स. इंसेक्ट्स में बेटा विंग्स आर सिंपली extensions of their exoskeleton. Whereas wings of birds, these are modified forelimbs. These are modified forelimbs with bones. नेक्स्ट आ जाता है बेटा विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बैट. विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बैट. तो यहां पे लिख लो विंग्स ऑफ बर्ड्स आर विंग्स ऑफ बर्ड्स आर दोनों यहां हम लिखे विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बैट्स आर मॉडिफाइड फोर लेम्स बट इन बर्ड्स But in birds, the webs develop between fingers, whereas in birds, they are developed on the whole of the थोड़ा सा उल्टा करो विंग्स ऑफ बर्ड्स में लिखिए जरा थोड़ा सा ठीक करो विंग्स ऑफ बर्ड्स द वेब्स और द स्किन डेवलप ऑन द होल फोर लिम्ब On the whole forelimb, whereas wings of can you repeat? Wings of bats are the skin folds. Wings of bats are the skin folds stretched mainly between fingers. Wings of birds are formed. By the whole forelimb, whole arm, whereas wings of bats are the skin folds developed mainly between fingers. Function दोनों का है flight. Next analogous organs में आ जाता है क्या? That is potato and sweet potato. Both are underground, both store food, but potato is a modified stem, whereas sweet potato, shakarkandi, is a root. Another is analogous organ TV. Eyes of mollusks and eyes of mammals. Eyes of mollusks and eyes of mammals. They form
image on the same pattern. They form image on the same pattern, but their structure is different. ये function same, image same form में बनाते हैं, but their structure are different. इसलिए ये analogous है. Another is आपको पता है सेम तरह से मैकेनिज्म सेम है इमेज बनाने का, बट अदरवाइज अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो डिफरेंट है. ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा स्टिंग ऑफ. स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन बिच्छू जो है एंड वर्कर हनीबी आर एनालॉगस. दोनों का काम तो हमें नुकसान पहुंचाना ही है, बट या अपने डिफेंस करना है, बट दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है. क्या डिफरेंस है? इन स्कॉर्पियन द स्टिंग इज मॉडिफाइड एब्डोमिनल सेगमेंट. In scorpion, the sting is modified last abdominal segment. ये cephalothorax है, ये abdomen है, last abdominal segment. Whereas in worker honeybees the sting is modified ovipositor, क्योंकि ये reproduce तो कर नहीं सकती, sterile है. Whereas in worker honeybees, the sting is modified ovipositor. Next आ जाता बेटा tendrils of passiflora and pea. Tendrils of passiflora. Tendrils. T-E-N-D-R-I-L-S. Tendrils of passiflora. Spelling. P-A. Passiflora. एंड पी मटर जो है फाइसम. पेसिफ्लोरा द टेंड्रिल्स दे अराइज फ्रॉम स्टेम या दीज आर स्टेम इन नेचर. पेसिफ्लोरा में टेंड्रिल्स आर स्टेम इन नेचर. पी में मॉडिफाइड लीफलेट्स, क्योंकि कंपाउंड लीफ होते हैं कुछ लीफलेट्स, मॉडिफाइड लीफलेट्स. टेंड्रिल्स आर मॉडिफाइड लीफलेट्स, बट दोनों में टेंड्रल्स का फंक्शन क्या है? टू कॉयल अराउंड सपोर्ट. बट इन बोथ टेंड्रल्स हेल्प्स इन कॉयलिंग अराउंड सपोर्ट. ठीक है, दीज आर एनालोगस ऑर्गन्स, दे शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. इज इट ओके? Yes, ma'am. Next हम आ जाते हैं बेटा vestigial organs. Last topic है आज का vestigial organs. These are the organs, जैसे बेटा हमारे अगर अपनी आंख में अगर आप देखोगे तो आई के आगे जो है एक पिंक सा ट्रायंगुलर एरिया है, nictitating membrane. हमारे में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन फंक्शनल नहीं है, पड़ी हुई है. क्यों? क्योंकि हमारी आईलिड जो अपर आईलिड है वो आंखों को बंद करने में काम करती है, प्रोटेक्शन. ठीक है, जबकि जो एक्वेटिक एनिमल्स थे या बाकी थे जिसमें अपर आईलिड ज्यादा मूवेबल नहीं है वहां पे फ्लेक्सिबल लेयर होती है. निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन यहाँ है तो यहाँ से ये कवर करेगी, मतलब एक्सटेंड कर जाएगी अगर प्रोटेक्ट करें, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी.
जो बाकी के एनिमल्स है, आपने डॉग्स में या बर्ड्स में कभी देखा होगा, ठीक है? सो वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर दोस which are reduced and non-functional presently, and non-functional presently. These may be functional in the ancestors. For example, हम humans में बात करते हैं vestigial organs in humans. तो पहले आ जाइए बेटा vermiform appendix. It becomes vestigial as we eat cooked food. उसके बाद है फ्लाइका सेमिलिनरिस. हर्बीवोर्स में होता है ना अपेंडिक्स? हाँ जी, हर्बीवोर्स में ज्यादा डेवलप है या उनमें वेस्टिजियल नहीं. फ्लाइका सेमिलिनरिस इट इज. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा. कार्निवोर्स में नहीं होता मैम, वो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स ना. बट हम तो ये भी मेनली है ना, तो ये कह सकते हैं इसके वेस्टिजियल होने का कि हमारी डाइट जो है धीरे धीरे करके नॉन वेजिटेरियन होने लगी तो वो वीक कर. नहीं बेटा, हमारी डाइट मेनली जब हमने पका हुआ खाना शुरू कर दिया तो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स में जो माइक्रोब्स थे उनका फंक्शन खत्म हो गया डाइजेशन में, ठीक है? इसलिए धीरे धीरे वो रिड्यूस हो गए. Okay. So it is Plica seminularis is vestigial nictitating membrane due to movable upper eyelid. Another is muscles of pinna. Ma'am, second wala dobara batana. Plica semilunaris, it is vestigial nictitating membrane jo eye ko cover karti thi. Membrane ek third eyelid hum isko keh dete jo eye ko cover karti thi, but kyunki ab hamari hum aankhein khol sakte hain band kar sakte hain, kis karan se? Upper eyelid hamari movable hai, theek hai? Is karan se ye vestigial hoti. Another is muscles of pinna. ठीक है, हम अपना कान हिला नहीं सकते डॉग्स की तरह से. डॉग के कान कैसे खड़े हो जाते हैं आवाज सुन के? ठीक है, ड्यू टू मोर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेंसेस, और हमारी सेंसेस जो है वो ज्यादा डेवलप हो गई, जिससे पिन्ना के जो मसल्स है उसको ज्यादा वो कहते हैं थोड़ी बहुत जो आवाजें आ सकती है वो आ जाए, ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं. मैं मेरे एक दोस्त हिला सकती कान अपने. कुछ ऐसे लोग होते हैं वो हम करेंगे एक एपिसोड, ठीक है? अनदर इज कॉकेक्स, दैट इज टेल बोन. अगेन ड्यू टू इरेक्ट पोस्चर. ये रिड्यूस हो गई, प्रेजेंट तो है बट इट इज रिड्यूस. टेल का फंक्शन क्या होता है? टेल का फंक्शन बेटा देखो, पहले तो मच्छर मक्खियां उड़ाने का तो है ही है, उसके साथ साथ बैलेंसिंग भी करती है टेल, ठीक है? तो ये हमारा इरेक्ट पोस्चर आ गया, तो धीरे धीरे हमारी टेल बोन और टेल जो है वो रिड्यूस होने लग गई. नेक्स्ट आ जाइए बेटा, विजडम टूथ या लास्ट मोलर्स. अगेन हमने जो है कुक्ड फूड खाना शुरू कर दिया, ग्राइंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है.
ठीक है जी मैम, यूएस में ट्रेंड बन चुका है कि जितने भी विजडम टीथ हैं सारे निकालते हैं लोग अपने। बेटा वो कहते हैं कि बाद में जो है यूएस के ट्रेंड्स का तो हम क्या कह सकते हैं वैसे। और मैम ये भी रीजन है कि हमारा जॉ साइज छोटा होता गया, ये भी एक रीजन है ठीक है। बट जॉ साइज हमारा छोटा बेटा उसके बाद ही हुआ, जब मोलर जो है वो वेस्टिजियल हो गए, छोटे छोटे हो गए, तो जॉ साइज रिड्यूस कर गए। ओके ठीक है, सो दिस इज अबाउट ये जो है वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। दिस शोज दैट, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, दिस शोज दैट these structures were functional in our ancestors, but due to evolution ma'am repeat karna, these structures were functional in our ancestors but due to evolution some new structures and new habits are formed due to which these organs become vestigial. Is it okay? So, this is about structural evidences. बाकी हम next करेंगे. पढ़ो, स्वस्थ रहो, घर में रहो, सेफ रहो, ठीक है? और ये read जरूर करके आना, ठीक है? Male में memory glands, again vestigial, बिल्कुल ठीक है. Memory glands in males, these are vestigial. But हम ये नहीं, बेटा इसलिए नहीं मैं ये कहती, क्योंकि ये कभी functional थी, ऐसा नहीं हम कह सकते. ये तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमंस बने और दोनों में मेल्स फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड्स आई और मेल्स में जो है वो नॉन फंक्शनल। मैम पहले में मैंने एक बड़ी अजीब चीज देखी थी, मतलब कि एक हाइपोथेसिस टाइप सी है कि अराउंड 25 करोड़ साल, मतलब उस टाइम तक तो हम कहां ही बचेंगे, बट एक चीज है कि हमारे ह्यूमन मतलब होमो सेपियंस में जो फीमेल्स हैं मतलब वही एग्जिस्ट करेंगे और मेल्स जो है पेरिश हो जाएंगे, मतलब मेल गैमेट्स होंगे ही नहीं। So I don't wish so, beta. मैम पर मैम टाइम पीरियड में उन्होंने बहुत बोला ना कि अराउंड 25 करोड़ साल बाद मैम, तो फिर एक तो हैज तो वैसे बेसिकली हाइपोथेसिस ही है। मेरा मतलब ये है कि हम दोबारा आ जाएंगे ये तो नहीं है, बट ऐसा हम चाहते नहीं है और नेचर भी नहीं चाहती है। यस मैम, और बाकी क्या हो, लेट्स सी, ठीक है ना। यस मैम, चलिए जी, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट टाइम मोर एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि अगली बार एविडेंसेस खत्म होके उससे नेक्स्ट टाइम हम थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन शुरू करें, राइट बेटा। सो ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, वेलकम, थैंक यू मैम।